आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब दे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद भी कोर्ट में कहा तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैम शुगर लेवल ड्रॉप होने की बात इसके अंदर खबर आई थी, आपकी बात मैम शुगर लेवल ड्रॉप होने की ये नीचे नहीं जाएगी भाई, ये लॉकअप में जाते किसी से आए हो, ये लिफ्ट नहीं है, इसमें नहीं जाता ये भाई, नीचे नहीं जाते आ जाइए राम भाई ये लॉकअप दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको, तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। चलिए थैंक यू। परेशान है इसीलिए उनका जो शुगर है इतना बहुत डाउन जा रहा है, तबियत इसी के चलते नासाज है बहुत ज्यादा, तबियत तो ठीक है। शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। हम नहीं लिया तो भाजपा ने डील की कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे लेकिन तू मेरा दो काम कर दे, एक तो तू पैसे दे दे तो 55 करोड़ उससे लिया और दूसरा तो केजरीवाल जी का नाम ले ले। तो ये बड़ा हास्यास्पद, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप किसी ऐसे ऐरे गैरे नथे के स्टेटमेंट के ऊपर तुम अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता 2024 में तैयार है ये बताने के लिए कि जो उनके जननायक को इस प्रकार से जेल में बंद किया है उनका ये बोरिया वस्त्र बांधने को तैयार है जनता। सर जैसा कि ये भी आया कि भाई दबाव एक आप ये कह सकते हैं कि दबाव डालकर ये पैसा लिया गया, ये बनाया नेचुरल सी बात है, डील है डील, तो दबाव डालकर डील का हिस्सा ये है कि अरे भाई अगर आज ईडी अपने पे आ जाए तो भाजपा के बड़े बड़े जेल के सलाखों के पीछे हो। सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारे बॉन्ड का खुलासा हुआ था तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? भाई कई लोग जा रहे हैं, चिंता ना करो, कई लोग तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बोले कि ये क्या तरीका है कि तू पहले रेड मारता है फिर तू भाजपा को डोनेशन दिलवाता है, घूस दिलवाता है, फिर केस ड्रॉप कर देता है, ये क्या तरीका है कि नवीन जिंदल जिसपे तूने कहा कि कोयला घोटाला किया उसने वो जेल जाएगा, ईडी ने चार्जशीट फाइल किया तब तूने उसको अपने में शामिल कर लिया, ये क्या मसला है? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर तुमने इल्जाम लगाया, अपने में शामिल किया फिर वो पवित्र हो गया, ये क्या मसला है? तो कई लोग जाने को तैयार हैं और इन चुनाव के मौके पे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं होगा।